तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे अभी ये देख सकते हो रेडमी का नोट 5 प्रो मॉडल है मेरे पास। तो इसमें क्या है कि इसका MI अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें FRP भी शायद लगा हुआ है। तो पहले तो MI अकाउंट को रिमूव करेंगे। इसको कैसे करेंगे, नहीं किसी टूल से करेंगे या मिरेकल वगैरह UMT या कुछ भी नहीं। मेरे पास एक फ्लैश फाइल है जिसको हम आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद से आप बिल्कुल फ्लैश करोगे तो ये MI अकाउंट आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसको कैसे आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे MI अकाउंट लगा हुआ है, इसका पता नहीं है मुझे। तो इसको हम कैसे करना है, सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव कर देना है और अपना बैक पैनल खोल लेना है। बैक पैनल खोलोगे तो यहाँ पे जो आप फिंगरप्रिंट जो ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको जब हटाओगे तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिखेंगे। इसको आपको चिमटे के मदद से आपको EDL मोड कनेक्ट करना होगा। EDL मोड कनेक्ट कैसे करते हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं अभी आपको PC के तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे इसमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो हमने PC का यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं। और डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे जब आपको 4 फाइल दिख रहे होंगे, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं। EDL मोड में कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे 4 फाइल आपको दिख रहे होंगे, ये वाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको फ्लैश करके आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक आप जरूर देखो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो ये देख सकते हो आप, मतलब काफ़ी यहाँ पे जो हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें MI फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन करके डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लिए, ऑलरेडी यहाँ से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सेलेक्ट और रिफ्रेश और फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटा ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्लैश यहाँ पे EDL मोड अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया, आपको बैटरी वाली ऑप्शन आपको रिमूव कर देनी है और आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे आपको EDL मोड कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो हम यहाँ पे दो या पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं चिमटे की मदद से और इसमें हम अपना डाटा केबल अपने सिस्टम का इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद से अभी यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अब अपने PC पे ले चलता हूँ, हमारा ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है तो आपको PC पे दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी ये देख सकते हो कैलकम HSC USB QD लोडर 9008 का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड करा, 2 फाइल, तो इसमें नोट 5 प्रो FRP का ऑप्शन दिया है तो इसको हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ओके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फाइंड फ्लैश स्क्रिप्ट, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको ओके दे देना है, ठीक है। अब ओके देने के बाद से यहाँ पे आपको रिफ्रेश करनी है। जैसे यहाँ पर रिप्रेस करोगे COM3 का ऑप्शन दे दिया, आपके जो भी है दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1 क्लिक करोगे, देखते हैं फ्लैश होता है या नहीं होता। तो फ्लैश पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्लिक कर देना है। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देख सकते हो अभी फ्लैश होने लगा। ये ज़्यादा MB का नहीं है, मतलब 1 MB 2 MB का सॉफ्टवेयर है, इससे फ्लैश डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अपने फ़ोन को यहाँ से निकाल देते हैं डाटा केबल को, और डाटा केबल को निकालने के बावजूद यहाँ पे हम मोबाइल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका वो, मतलब इसका ये निकला कि नहीं। तो हम इसको बैटरी वाले ऑप्शन को यहाँ से रिमूव किया था, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और लगाने के बाद से अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका MI अकाउंट का रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो जस्ट सेक,
ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो MI अकाउंट था वो रिमूव हो चुका है बिल्कुल वन क्लिक में। कोई ज़रूरत नहीं आपको पूरा फ्लैश कर मतलब पूरा फ्लैश करो या अपने टूल से डाउनलोड करो, तो इससे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका FRP निकला या नहीं निकला। अगर FRP नहीं निकलता है तो मैं आपको बता दूं, बस ये MI अकाउंट के लिए मैंने वीडियो अपने बनाया था, तो वीडियो आपको मतलब अच्छा लगा होगा। स्किप का ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं इसका MI अकाउंट मतलब FRP लगा है या नहीं लगा, मतलब ठीक है। तो हमको लगता है यहाँ से FRP भी इसका निकल चुका है साथ ही साथ दोनों, तो वेट करके और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेटअप्स, थोड़ा सा वेट करना है आपको। लोडिंग ऐप कर रहा है ये, और मतलब वन क्लिक में आप फ्लैश कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल फ्लैश कर सकते हो, आपका MI अकाउंट रिमूव हो जाएगा, मतलब 5 मिनट की काम है। आपको फ्लैश फाइल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको कर लेना है और उसके बाद से अपनों एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद से आपको इस तरीके से जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से आपको फ्लैश कर देनी है। तो आप इस तरीके से अपना मतलब MI अकाउंट को रिमूव कर सकते हो, और इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई फेक वीडियो इस चैनल पे नहीं मिलती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आपका सॉल्व हो जाए, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो देखते रहो वीडियो को, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये काफ़ी टाइम लेता है, मतलब 2-4-5 मिनट भी टाइम ले लेता है। और इसमें तो देखते हैं इसका मतलब निकला कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा FRP और MI अकाउंट दोनों एक साथ रिमूव हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इस तरीके से अपना MI अकाउंट और FRP दोनों ही रिमूव कर सकते हो बिल्कुल वन फ्लैश में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यही बात है। तो अगर और भी किसी वीडियो की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।